वेलकम टू इजी रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली पालक बॉल्स बनाना बताऊंगी, जिसे आप इस सीज़न में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, साथ ही ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक बाउल में मैंने यहाँ 2 कटोरी कटी हुई पालक ली है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी बेसन डाल देंगे और 1/2 कप चावल का आटा। अब हम साथ में इसमें कुछ सूखे मसाले मिला लेंगे। एक जार में हम 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। ये देखिए, मैंने यहाँ 2 चम्मच मूंगफली ली है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 2 लहसुन और 2 हरी मिर्च को कट करके लिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा इसे पेस्ट नहीं बनाना है। और अब हम इसमें 2 चम्मच जो मसाला हमने पीसा था उसे ऐड कर लेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ 1/2 कटोरी करीबन हरा कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। 1 बड़े आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इन सब सामग्री को अच्छी तरह से दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारा ही मिक्सर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं, तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ बॉल्स तलने से पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें बॉल्स को इस तरह से डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें बार बार इस तरह से चलाकर एकदम क्रिस्पी होने तक तलेंगे। ये देखिए, 5 से 7 मिनट कंटिन्यू इस तरह से चलाने के बाद हमारी पालक बॉल्स बनकर तैयार हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। क्रिस्पी, करारी और बहुत ही आसान हमारी पालक बॉल्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और बहुत आसानी से मैंने इनको बनाकर तैयार भी कर लिया है। तो आप ये पालक बॉल्स इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।